फते किट दिते ने कि तुहानू किते जाण दी लोड़ नहीं, अगर तुसी पॉजिटिव हो, स्टेज वन दे विच हो, लैवल वन दे विच हो, अपने घर जाओ, फते किट तुहानू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज़ विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानू देऊगा और समझाऊगा भी तुहानू, ओह तुसी लो। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ चुका है। केंद्रीय मंत्रियों ने किया योग, पीएम मोदी ने किया संबोधन, कहा मेडिकल साइंस ने भी अपनाया योग, डॉक्टरों ने बनाया अदबा सुरक्षा कवच। योग दिवस पर स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में किया योग, बच्चे भी कार्यक्रम में हुए शामिल। योग दिवस पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत, 18 साल से ऊपर के हर एक नागरिक को मुफ्त वैक्सीन, यूपी एमपी हरियाणा समेत कई राज्यों में तैयारियां पूरी। और आज से मिल रही है कई जगह छूट, उत्तर प्रदेश में खुलेंगे रेस्टोरेंट्स, दिल्ली में पब्लिक पार्क, उद्यानों को खोलने की अनुमति। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना मित्रा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज और आज ऐसे में एक कार्यक्रम संबोधित किया तो यहां पीएम मोदी ने आज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेडिकल साइंस भी उपचार से साथ साथ हीलिंग पर उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि योग सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुस्त दुरुस्त करता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि योग हमें स्ट्रेस और स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है और योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद की तरफ ले जाता है। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। दो वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो, सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों,
हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्चते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। और पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस साल योग दिवस की थीम है योग फॉर वेलनेस रखी गई है। योग दिवस के मौके पर तमाम नेता और मंत्रियों ने अपने आवास पर योगा किया और केंद्र सरकार की ओर से लाल किले पर आयोजन किया गया। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर की तो यहां पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराजा अग्रसेन पार्क में योग किया और केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसमें हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में अपने निवास पर योग किया और वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दिल्ली में अपने आवास पर योग किया। आपको बताते चले कि यहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां कई केंद्रीय मंत्रियों ने योग किया है। जिस तरीके से आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और सभी तमाम मंत्रीगणों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ऐसे में अपने निवास पर योग किया। ये तस्वीरें भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में भी डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जो योग कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर की बात करें तो यहाँ प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं तो यहाँ योग करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और तीसरी तस्वीर की बात करें तो यहाँ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यहाँ चौथी तस्वीर की बात करें तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं जो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से योग हमारे लिए सुरक्षित साबित हुआ है। वहीं अगर पांचवी तस्वीर की बात करें तो यहाँ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी योग करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पांचों तस्वीरें आपको दिखाई जिसमें कई मंत्रीगणों ने योग को पहल दी है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी हमारे देश में छाई हुई है और ऐसे में अगर कोई समाधान के रूप में कुछ साबित होता है तो सिर्फ योग ही है। इसलिए आप सभी से अपील है कि योग करें, सुरक्षित रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सोमवार यानी कि आज सुबह योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने निरामयम योग ग्राम हरिद्वार में योग किया और ऐसे में इस दौरान योग कार्यक्रम में बच्चे और अन्य लोग भी शामिल हुए और ऐसे में योग अभ्यास भी किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी लोगों को बधाई दी और लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी को शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से देश में 18 साल से ऊपर के हर एक नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लग रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को सरकार निःशुल्क टीका लगवाएगी। ऐसे में सोमवार से शुरू हो रहे दुनिया के सबसे बड़े निःशुल्क टीकाकरण अभियान को लेकर आपके राज्यों या शहरों में कैसी तैयारियां हैं ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कोरोना के खिलाफ आज से वैक्सीन वॉर शुरू हो चुका है और यहाँ पीएम मोदी ने हाल ही में देश को संबोधित भी किया और कहा कि आज से सभी को कोरोना के वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को आज वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी।
कोरोना काल के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और ऐसे में देश के बच्चे आने वाले कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को तैयार है। मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित एक योग क्लास में योगासन कर रहे बच्चे किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे सीधे तौर पर देश के सभी बच्चों को एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं और यहाँ केवल योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कोरोना जैसी महामारी को दूर भगाया जा सकता है। इस बारे में अगर योगा दिवस पर महिलाओं की संख्या भी अधिक है, साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की है जो आपको दिखा रहे हैं हम। और ऐसे में आपको बताते चले कि पिछले एक साल से कोरोना संक्रमण के चलते योग ने मानसिक और शारीरिक बीमारियों से निजात दिलाने में खास भूमिका निभाई है। तो यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे कितने ज्यादा उत्सुक हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में सभी लोग योगा कर रहे हैं। महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग योग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सारी की सारी तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं। किस तरीके से सभी में उत्साह दिखाई दे रहा है। केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को सरकार को धमकी दी है। आपको बता दें राकेश टिकैत ने डो टूक कहा है कि इलाज करना पड़ेगा। मालूम हो कि पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि यहां कृषि कानूनों को हटाया जाए और पिछले साल बनाए गए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। यहां एमएसपी पर कानून बनाने की है और ऐसे में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर आंदोलन तेज करने के लिए कहा। उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा, ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारियां रखो। ऐसे में ये सब बातें उन्होंने किसानों को कही है। जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा और ये सब बात भी उन्होंने ट्वीट के जरिए कही है। इससे एक दिन पहले भी टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान अब वापस लौट जाएगा। किसान तभी वापस जाएगा जब उसकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। हमारी मांग ये है कि तीनों कानून रद्द हों और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। और देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं जहां आज से पाबंदियों में ज्यादा छूट मिल रही है। कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी के बीच आज से 50% बैठने की क्षमता में और ज्यादा छूट मिलने वाली है। शहर में रेस्टोरेंट बार खुलने जा रहे हैं। अनलॉक के चौथे चरण के तहत सार्वजनिक पार्कों, गार्डन को भी फिर से खोलने की अनुमति मिली है और इसी के साथ ही दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं वे कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें, मास्क पहने और सामाजिक दूरी को बनाए रखें। राजधानी में अब रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुलेंगे जबकि अभी फिलहाल 10 बजे से सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत मिली थी। बार खोलने की समय सीमा की बात करें तो दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक की ये सीमा तय की गई है और ये आदेश 28 जून सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। तो यहाँ दिल्ली अनलॉक 4 की तरफ बढ़ रही है और आज से अनलॉक पार्ट 4 शुरू होने वाला है और ऐसे में दिल्ली में पाबंदियों में और ज्यादा छूट मिल गई है। रेस्टोरेंट भी अब खुलने वाले हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से भी ये राहत भरी खबर सामने आई है। जिस तरीके से दिल्ली बिल्कुल लॉक हो गई थी और ऐसे में यहाँ राहत भरी खबर तो ये है कि अब अनलॉक 4 की तरफ बढ़ने लगी है दिल्ली। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से दिल्ली अनलॉक 4 की तरफ बढ़ रही है और फिलहाल मार्केट कॉम्प्लेक्स हो, रेस्टोरेंट हो, ये सब चीजें खुल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल सही, जिस तरीके से बात करें मार्केट कॉम्प्लेक्स होगी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी उसकी खुलने की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी गई है कि अनलॉक कर दिया गया है और 50% की क्षमता के साथ साथ अब उसके अंदर कार्य होगा और लगातार जनता भी जा सकती है। मगर जिस तरीके से लगातार अनलॉक की तरफ जा रहे हैं कहीं ना कहीं यही जाहिर है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखना है और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से अभी बचते रहना है और यही चीज सरकारें भी कह रही है, दिल्ली सरकार भी कह रही है कि कोरोना जैसी महामारी से बचते रहना है। बेसिक मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोल दिया गया है, लगातार कहीं ना कहीं उसके अंदर लोगों का जाना आना भी लगा रहेगा, दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर आ सकती है
अगर तीसरी लहर आई और मामले बढ़े तो फिलहाल क्या समाधान निकाला जाएगा? देखिए बिल्कुल इस तरीके से बात करें मार्केट कॉम्प्लेक्सों की, अगर मार्केट कॉम्प्लेक्सों में अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं जो संदीप गुरेजा ने कहा कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर तीसरी लहर आ सकती है, यानी तीसरी वेव आ सकती है कोरोना की, इसको कहीं ना कहीं से 50 की सुविधाएं भी अपनानी होंगी, यानी कोरोना की जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, हाथों को बार बार हाथों को धोना, ये प्रक्रिया बिल्कुल जारी रखनी पड़ेगी। मगर जिस तरीके से मार्केट कॉम्प्लेक्सों के अंदर 50% की क्षमता के साथ साथ लोगों को जाने के आने की परमिशन दी गई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की दिनचर्या भी और जिनमें जो लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी वो भी पटरी पर आएगी। मगर जिस तरीके से संदीप गुलेरिया ने कहा कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर तीसरी वेव आ सकती है, तो कहीं ना कहीं उससे बचने के भी इंतजाम करने होंगे। इसीलिए दिल्ली सरकार भी यही चाहती है कि कोरोना की गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर तीनों ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूज करने चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह से संपर्क भी बनाकर दूरी रखनी चाहिए। जी राजीव, जिस तरीके से पहले दिल्ली अनलॉक हुई और अब फोर्थ पार्ट में जा रही है दिल्ली, और फिलहाल अगर बात करें तो पहले जो गाइडलाइंस बताई जा रही थी सरकार की तरफ से, क्या अब वही गाइडलाइंस अपनाई जाए? देखिए बिल्कुल बताएं, जिस तरीके से बात करें गाइडलाइन की, तो कोरोना की गाइडलाइन जो पहले थी वो अभी भी है, मगर इसमें अभी इजाफा जरूर किया गया है। जिस तरीके से मार्केटों को खोला जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनाने के लिए खोला गया है, और यहाँ तक कि अब मार्केट कॉम्प्लेक्स है उनको भी खोला जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो किया यानी कि उसको समझना होना चाहिए जनता को, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए, और जिलाधिकारियों को मार्केट के अंदर होना चाहिए उनको भी कहीं ना कहीं सख्ती बरतने के लिए कहा गया। बिल्कुल राजीव, अब लोगों को समझना होगा कि अब सावधानियां बरतने की बेहद जरूरत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर वन। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नू सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ये सर्व उत्तम सूबा। नाली ए वी घोषणा कीती कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांड विच होना, इना सब मापदंडा विच पंजाब ने समुचे सूबियां नू पिछे छड्या। जो पंजाब दा नाम बद रहा ओ तुसी बनाया, तुसी सारे टीचरां ने, मैं तुहाडे सारिआं नू दिलों बहुत धन्नवादी हां तुहाडा। प्रिंसिपल, हैडमास्टर ते टीचरां दी उपलब्धता, विद्यार्थियां अते टीचरां दी हाजरी, स्कूल विच दोपहर दा भोजन, पारदर्शिता नाल टीचरां दी भर्ती नाल पंजाब दा सूबा बनिआ देश दा मोहरी। बच्चियां दा स्कूल विच दाखला, पढ़ाई छड़ चुके बच्चियां नू दोबारा स्कूल विच पढ़ाउणा, बच्चियां नू पढ़ाई छड़न तो रोकना, इन्हां मापदंडा विच वी पंजाब ने हासिल कीता पहला स्थान। असीं हुण पहुंच गए हैं पहले नंबर ते, हुण आपां पहले नंबर तो उतरना नहीं, उत्थे ही रहना है और उत्थे ही तगड़े रहना है। पंजाब सरकार रखे तुहाडे बच्चियां दा ख्याल। का स्वागत है खबरों में आगे बढ़ी। कोरोना के कम होते मामलों के बीच योगी सरकार ने यूपी के लोगों को बड़ी राहत दी है। राज्य में करीब 2 महीने बाद आज से सभी मॉल, रेस्टोरेंट एक बार फिर से खुल रहे हैं। तो यहां सरकार के आदेश के मुताबिक अगर बात करें तो रेस्टोरेंट में एक साथ 50% लोगों को ही जाने की इजाजत है। वहीं इस दौरान कोरोना नियमों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ग्राहकों को एक सीट छोड़कर ही रेस्टोरेंट के अंदर बैठना होगा। बताते चले कि यूपी में आज से बाजार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे, और ऐसे में मॉल की बात करें तो मॉल भी रात 9 बजे तक ही खोला जा सकेगा। स्ट्रीट फूड की दुकानों में बैठकर खाने की इजाजत दे दी गई है, और मिठाइयों की दुकानों में भी बैठकर और खड़े होकर खाने की परमिशन मिल गई है। सरकार के इस फैसले से दुकानदारों को बड़ी राहत मिल रही है। बताते चले कि कोरोना के कम मामले होने के बीच सभी मॉल, रेस्टोरेंट को फिर से खोले जाने की मांग कर रहे थे कुछ लोग, और ऐसे में यहां सभी को राहत दी गई है। जिस तरीके से अनलॉक होने वाली है, दिल्ली होने वाली है, और ऐसे में अब यूपी के वासियों को भी राहत मिलने वाली है। आज से सभी मॉल, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, और फिलहाल आपको बता दूं
कि कई पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। कोरोना नियमों का भी पालन करना बेहद अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में रविवार देर रात शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया है। यहाँ लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे ये, और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में पहले एक आतंकी को मार गिराया गया और इसके बाद जारी एनकाउंटर में 2 और आतंकियों को मार गिराया है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। पुलिस के मुताबिक उत्तरी कश्मीर के सोपोर के गुंडप्रथ इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई और सुरक्षा बलों ने इलाकों को घेर लिया था, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच देर रात तक गोलीबारी हुई। और IGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि लश्कर का टॉप आतंकी मुदासिर पंडित, जो 3 पुलिसकर्मियों की हत्या और 2 पार्षदों और 2 आम नागरिकों की हत्या में शामिल था, उसे भी मार गिराया है। कुल लश्कर के 3 आतंकी ढेर किए गए हैं और यहां मुदासिर के नाम 10,00,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इससे पहले शनिवार की बात करें तो शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में एक नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर इन लोगों के पास से हेरोइन के 11 पैकेट, हथियार और कारतूस के साथ साथ कैश भी बरामद किया था। वहीं पुलिस ने इस दौरान बताया कि इन लोगों के पास से 10 ग्रेनेड, 4 पिस्टल और काफी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं। और इसके अलावा इन लोगों के पास हेरोइन के 11 पैकेट, 21.5 लाख कैश और 1,00,000 रुपए का चेक भी बरामद किया गया था। और अब बात हरियाणा की कर लेते हैं, जहां हरियाणा सरकार ने कुछ और ढील देते हुए राज्य में COVID-19 लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है और अब लॉकडाउन 28 जून तक रहेगा। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जारी आदेश के मुताबिक राज्य में कोविड के नए मामलों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं मिल पाई है। इसलिए कोविड मामलों को रोकने के लिए निवारक और एहतियात उपायों को जारी रखने के लिए राज्य कार्यकारी समिति द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 1 और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में 21 जून-28 जून तक लॉकडाउन रहेगा और इस बीच राज्य सरकार द्वारा कई छूट प्रदान की गई है और सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति मिल गई है। तो मॉल को सुबह 10 बजे से 8 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है और यहाँ 50% क्षमता के साथ सभी लोग दुकान हो चाहे और सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं। तो यहाँ हरियाणा में छूट मिल गई है, 28 जून तक लागू रहेगी सख्तियां। बावजूद इसके यहाँ हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यहाँ राहत प्रदान की गई है और एक तरफ तो जहाँ कोरोना महामारी चरम पर थी और ऐसे में अब लॉकडाउन के लिए भी यहाँ राहत प्रदान की गई है। वहीं पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं और यहां किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है और यहां जिसके कारण आज ईंधन की कीमतें स्थिर रही हैं। दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 97.22 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 87.97 रुपये प्रति लीटर है। रविवार को तेल की कीमतों में इजाफा किया गया था, जिसके बाद पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा हुआ था। घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों में उछाल जारी है। तेल कंपनियों ने 20 जून को पेट्रोल के दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर के पहुंच गया और ऐसे में अगर डीजल की बात करें तो यहां 88 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर जमीन विवाद हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही नजर आ रहा है। रूस के नए खुलासे राम मंदिर ट्रस्ट पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष को भी हमला करने का मौका दिया जा रहा है और अब संत समाज भी इस विवाद के बढ़ जाने से नाराज है। रविवार को भगवताचार्य सदन में संतों की एक अहम बैठक हुई, जहां रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी दिलीप दास ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उनकी तरफ से सीधे राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नियत पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने तलख अंदाज में कहा कि जिस राम के साथ ये विश्वासघात कर रहे हैं वह रामराज नहीं है, वो योद्धा राम नहीं है, ये तो बालक राम है, अबोध राम है जो बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मिली तो उसकी जन्मभूमि पर नियत खराब हो गई। ऐसे में ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ क्या कर सकते हैं, इसका निर्णय आप स्वयं करें। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही हैं। तो यहां यूपी से इस वक्त की अहम जानकारी, आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे बीएल संतोष। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है, आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे बीएल संतोष। संगठन और सरकार में शामिल लोगों के साथ आज बैठक कर सकते हैं।
यहाँ संगठन और सरकार के साथ बैठक कर सकते हैं। 2022 की रणनीति आज बीएल संतोष बनाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती नजर आ रही है। 20 दिन में दूसरी बार यूपी दौरे पर रहेंगे बीएल संतोष। यहाँ यूपी दौरे पर रहने वाले हैं बीएल संतोष, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं यूपी से। इस वक्त की अहम जानकारी, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती नजर आ रही है। आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे बीएल संतोष। आपको बता दें कि यूपी के महामंत्री हैं बीएल संतोष। यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर और ज्यादा तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बताते चले कि 2022 की रणनीति बनाने वाले हैं बीएल संतोष। आज लखनऊ के दौरे पर हैं बीएल संतोष। 20 बार यहाँ यूपी के दौरे पर रहे बीएल संतोष। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज लखनऊ दौरे पर रहने वाले हैं बीएल संतोष। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बीएल संतोष। आज लखनऊ दौरे पर रहने वाले हैं। 20 दिन में ये उनका दौरा है लखनऊ का। संगठन और सरकार में शामिल होने पर एक बैठक होगी और ऐसे में इस बैठक में बीएल संतोष शामिल हो सकते हैं। आगे 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं अब देखना ये होगा। काफी ज्यादा अहम मायने हैं इस बैठक के। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में दो बाइकों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की जान चली गई और चार लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, आपको बता दें, ग्राम टोड़ा में दो मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई। मोटरसाइकिल की भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि मोटरसाइकिल के पर खच्चे तक उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा, जहां उपचार के दौरान एक की मौत हो गई, वहीं चार घायलों को जिला अस्पताल ग्वालियर रेफर किया गया है। आपको बता दें, एमपी के शिवपुरी से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां बाइक की भिड़ंत हो गई है और यहां मोटरसाइकिल के पर खच्चे तक उड़ गए हैं। एक की मौत और चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। और फिलहाल ये भी बताते चलें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां घायलों की ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी और ऐसे में जिला अस्पताल से उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। एमपी के शिवपुरी से ये पूरा मामला है, जहां बाइकों की आपस में भिड़ंत हो जाती है और इसमें एक की मौत और चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और यहाँ जिस तरीके से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, स्थिति नाजुक होने के चलते उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना समुच्चे भारत विच पंजाब बनिया
सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर वन। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नू सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब यह सर्व उत्तम सूबा। नाली ए भी घोषणा कीती कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांड विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुचे सूबियां नू पिछे छड्डिया। जो पंजाब दा नाम बद रहा और तुसी बनाया, तुसी सारे टीचरां ने, मैं तुहाडे सारिआं नू दिनों बहुत धन्नवादी है थोड़ा। प्रिंसिपल, हेडमास्टर ते टीचरां दी उपलब्धता, विद्यार्थियां अते टीचरां दी हाजरी, स्कूल विच दोपहर दा भोजन, पारदर्शिता नाल टीचरां दी भर्ती नाल पंजाब दा सूबा बनिया देश दा मोहरी। बच्चियां दा स्कूल विच दाखला, पढ़ाई छड़ चुके बच्चियां नू दोबारा स्कूल विच पढ़ाउणा, बच्चियां नू पढ़ाई छड्डण तों रोकणा, इन्हां मापदंडां विच वी पंजाब ने हासिल कीता पहला स्थान। असीं हुण पहुंच गए हैं पहले नंबर ते, हुण आपां पहले नंबर तों उतरना नहीं, उत्थे रहना है और उत्थे तगड़े रहना है। पंजाब सरकार रखे तुहाडे बच्चियां दा ख्याल।